ओम शांति। आज हम जानेंगे राजयोग के आधार एवं नियम। जिस प्रकार एक कुर्सी के चार पैर होते हैं, यदि एक भी पैर टूटा हुआ हो तो उस पर बैठा नहीं जा सकता, उसी प्रकार राजयोग की ऊंची स्थिति भी चार स्तंभों पर टिकी होती है। अतः राजयोगी के लिए भी कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। बहुत से लोग कहते हैं कि राजयोग सीखने के बाद भी उनका ध्यान नहीं लगता, तो यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हम आपका ध्यान राजयोग के चार मुख्य आधार पर खिंचवाएंगे। यदि इन चार नियमों का पालन हम पूर्ण रीति करते हैं तो ही हम सफल राजयोगी बन सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मा के समान आचरण। यदि हम प्रभु मिलन करना चाहते हैं तो हमें मन, वचन, कर्म की पवित्रता को धारण करना होगा। मन का शुद्धिकरण करें। मन में किसी के लिए भी बुरा ना सोचें। अगर किसी के प्रति कुछ नकारात्मक भाव आ भी रहे हैं तो अपने मन से बात करके उसे स्वयं ही ठीक करें। वचन की भी पवित्रता हो। किसी को अपनी वाणी से दुख नहीं देना है, अन्यथा उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारा मन प्रभु में टिकने नहीं देंगे। इसलिए कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें। यदि किसी के प्रति कुछ गलत बोल निकल भी जाएं, तो उनसे क्षमा अवश्य मांगे। कर्म की पवित्रता अर्थात जो भी कर्म हम करते हैं वो प्रभु की याद में करें। जरा भी मैंपन ना आए, जैसे मैंने किया या फिर मैं ही कर सकता हूँ आदि। दूसरा नियम है शुद्ध अन्न। कहते हैं भोजन बनाने वाले का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। भोजन शाकाहारी तो होना ही चाहिए, साथ ही हम यह भी ध्यान दें कि भोजन बनाते समय हमारा ध्यान केवल भोजन पर ही हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भोजन बनाते वक्त हम टीवी या मोबाइल देखने लगते हैं या फिर अन्य कुछ काम भी साथ साथ करते हैं, जैसे फोन पर बात करना या मोबाइल देखते रहना। फिर हम यह भी देखते हैं कि वही भोजन घर वाले भी टीवी देखते हुए ही ग्रहण करते हैं या भोजन करते समय इधर उधर की चर्चा आदि करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि ऐसे लोगों का मन हर वक्त भटकता रहता है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते, मन में ढेर सारे नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प चलते ही रहते हैं। अतः भोजन पकाते समय और भोजन करते समय ध्यान केवल परमात्मा में ही लगाएं, क्योंकि वह भोजन फिर प्रसाद बन जाता है और उस भोजन को ग्रहण करने से हम परमात्म शक्तियां भी ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर में अधिकतम हिस्सा जल का ही है, इसलिए पानी भी पिएं तो परमात्मा की याद से चार्ज करके ही पिएं। इसलिए ही कहा जाता है जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तीसरा नियम है दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुण अर्थात देवताओं के समान गुण, जैसे नम्रता, धैर्यता, हर्षित मुखता, मधुरता। जहां भी हम जाएं, दूसरों से गुण अवश्य चुराएं। एक योगी अपने दिव्य गुणों की सुगंध चारों ओर फैलाता है, ना कि आसुरी विचार और आसुरी कर्मों के वशीभूत होता है। चौथा नियम है सत्संग अर्थात सत्य का संग। तो सत्य अर्थात परमपिता परमात्मा शिव, जिनके लिए ही हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। जब हम परमात्मा का संग करते हैं तो उनके गुण और शक्तियां हम में प्रवाहित होने लगती हैं और हम भी उनके जैसे बनने लगते हैं। इसके विपरीत यदि आप योग का अभ्यास कर रहे हैं और आपकी बुद्धि अपने घर की ओर जा रही है तो आप घर संग हैं। यदि बुद्धि फैक्ट्री में जा रही है तो आप फैक्ट्री संग हैं। दोस्त में जा रही है तो दोस्त संग हैं। मन यदि बार बार बाहर की ओर भागे तो ऐसे में अपने मन से पूछें कि भटक भटक के क्या आज तक थके नहीं, इतना बाहर भटक कर क्या मिला। इसलिए सत्य का संग अर्थात एक शिव बाबा दूसरा ना कोए। तो ये थे वे नियम जिनका पालन करने से ही मनुष्य सच्चा योगी जीवन बना सकता है। परमात्मा की याद से आत्मा के विकर्म विनाश होने लगते हैं। राजयोग से आत्मा का शुद्धिकरण होता है और फलस्वरूप वह रोग
शोक, दुख व अशांति के बंधन से छुटकारा पाने लगता है। अब कैसे पता चले कि शुद्धिकरण हो रहा है या नहीं? परमात्मा से कनेक्शन जुड़ते ही आपको शांति का, खुशी का एवं आनंद का अनुभव होगा। आप अंदर से हल्का महसूस करेंगे। यह खुशी और यह हल्कापन तभी प्राप्त होता है जब हमारे विकर्मों का बोझ समाप्त हो रहा होता है। यह राजयोग भारत का सबसे प्राचीन योग है। आज से 5000 वर्ष पहले स्वयं परमपिता परमात्मा ने यह योग सिखाया था। श्रीमद् भगवद गीता में राजयोग की बहुत महिमा की गई है। अब फिर से उसी कड़ी को दोहराया जा रहा है। स्वयं परमात्मा शिव यह राजयोग पुनः सिखा रहे हैं। तो आओ भाई, बनो राजयोगी। ओम शांति। राजयोगी बनो, राजयोगी मेरे प्यारो बनो, राजयोगी राजयोगी बनो, राजयोगी मेरे प्यारो बनो, राजयोगी बनो, राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी मेरे प्यारो बनो, दमकने लगेगा आत्मचिंतन, चमकने लगेगा मन का दर्पण, दमकने लगेगा चिंतन, चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यार बनो, राजयोगी बनो, राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता, आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग बनो, राजयोगी जिंदगी में परम